हेलो गाइस, दिस ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। और ये मेरी पहली वीडियो है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि बेम्बू की पेड़ से नया पेड़ निकलने वाला है। उससे हम सब्जी बनाने के लिए बेम्बू की पेड़ लाने जा रहे हैं। छोटा छोटा नया निकला है, तो उससे हम लोग कैसे मतलब सब्जी बना के खाएंगे वो ज़रिए आप लोगों को बताएंगे। और हम बेम्बू के पेड़ से कैसे सब्जी बना के खाते हैं वो पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। कैसा लगेगा आप लोग बताना। और हाँ गाइस, ये मेरा पहली वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, इतना सा करना बस मैं आगे तक पहुंचूं और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ और आगे भी बनाते रहूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नया नया कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा आप लोगों को। उसी की वजह से हम लोग अभी जंगल पे जाने वाला है, और बेम्बू के पेड़ से मतलब नया पेड़ निकलेगा, मतलब उसको काट के हम सब्जी बना के खाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ, और ये पानी बोतल है और ये बैग वैग तैयार कर लिया, क्योंकि पानी बोतल को इसमें भरना होगा, क्योंकि अभी भर लेता हूँ। अभी मुझे जंगल जाना होगा, क्योंकि आप लोगों को बोला था बेम्बू के पेड़ से कैसे सब्जी बनाऊँगा ये बताया था ना। तो और ये कैप वगैरह चाहिए, क्योंकि मेरा बाल बहुत लंबा है, और इससे तो आप लोग जानते होंगे इसका नाम हर किसी को ये आता है और याद है। इसे खुकड़ी बोलता है, और स्पेशली इसको मेरे पापा ने तैयार किया है। तो अभी जंगल जाने वाला है तो ये साथ चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी मिल जाएगा तो, और बेम्बू के नया पेड़ को काटना होगा तो इसलिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि अभी जंगल जाने वाला हो तो इसको साथ में रखना ही होगा, क्योंकि जंगल में बहुत ज़रूरत पड़ता है इसको, और हर कहीं भी इसको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये मेरा सेफ्टी है, मतलब ये मेरा हथियार है। इसलिए मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, क्योंकि ये इसके बिना मैं तो मेरा दिल थोड़ा सा घबराहट होता है, क्योंकि ये मेरा रक्षा करता है ना, तो ये नहीं होता है तो मुझे डर लगता है। तो इसलिए ये मेरा साथ जाएगा। अभी आगे देखते रहिए वीडियो में, अभी मैं जाने वाला हूँ। और ये मेरा बाइसाइकिल है, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, इसको लेके जाना होगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते। और कैप वगैरह लगा लिया और हथियार भी लगा लिया, और अभी जाने वाला हूँ जंगल पे। और जंगल पे जाके बेम्बू के पेड़ को लाएंगे, मतलब नया पेड़ को। उसके साथ क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और अभी मैं जंगल जाने वाला हूँ, क्योंकि जंगल जाते वक्त ये मोबाइल के साथ वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए जंगल में पहुंचने के बाद ही ये वीडियो शुरू कर पाऊंगा। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। अभी मैं जंगल जाने वाला हूं, तो जंगल में मिलते। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं जंगल पे, और ये जंगल है, आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं। इधर घर और बना हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा सा गांव जैसे ही है। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, आ चुका हूँ मेरे जगह पर। और अभी भी थोड़ी दूर है, क्योंकि यही मेरा एक फार्म है। उस फार्म पे गाय वगैरह और बकरियाँ वगैरह और वगैरह के वगैरह बहुत कुछ है, और मम्मी पापा भी यहीं रहता है। तो मैं साइकिल पे सवार हूँ और साइकिल चला रहा हूँ, और ये वीडियो के जरिए आप लोगों को अपना फार्म भी दिखाऊंगा, लेकिन किसी वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में नहीं है। तो अभी मैं साइकिल रखने वाला हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पर करने वाला हूँ। तो गाइस, पहुँच गया, क्या क्या पक दिया। तो ये साइकिल यहाँ पे पार्क करूँगा, और जैसे तुम बोलते हैं देख ही सकते हैं। तो अभी साइकिल को पार्क कर लेता हूँ, उसके बाद रुको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो हो गया, अभी साइकिल को ताला लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बताऊँगा आगे वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के अंतिम तक। अभी जंगल पूरा आ चुका हूँ, मतलब जहाँ आना था वही आ गया हूँ। और मम्मी ने बताया कि हाथी हैं इधर, तो मुझे खुद भी संभाल के रहना पड़ेगा और संभाल के चलना पड़ेगा। और जब मैं घर से निकला था तो बारिश नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा सा सूरज निकला हुआ था। अभी तो पूरा बारिश हुआ है, शायद मैं वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं अभी, क्योंकि
क्योंकि अभी बारिश गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, फिर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा सतर्क भी हूँ, तो चलते रहते हैं आगे क्या होता है। मतलब मेरा मतलब है कि हाथी वगैरह है तो मुझे थोड़ा सा खुद को क्या बोलता है, धीरज रख के चलना होगा और संभाल के चलना होगा, क्योंकि हाथी है, क्योंकि आमना सामना हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। तो गाइस मैं अभी ऐसे ही जाने वाला हूँ, तो चलते रहिए। बेम्बू का पेड़ मिला है अभी, उस पर देखने के लिए गया हूँ मैं, मिलेगा कि नहीं। हाँ, लेकिन देखने पर तो मुझे दो मिलता है, तो वो दो को मैं अभी बैठ के काट रहा हूँ। तो ये दोनों को काट के छोली में भर लेता हूँ, तो भरने के बाद वीडियो दिखाऊंगा। और जंगल में बहुत मच्छर है, मच्छर काटने के वजह से खुजली हो गया मुझे तो। और जंगल में बहुत सारे कीड़े, वो भी काटा है। तो वैसे ही जंगल में घूमता रहा मैं, सारी जंगल। अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि दो मिला है मुझे, ये दो कैसा लगेगा। मतलब छोटा छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है। ये मैंने दो काट लिया है और ये दो मिला है। तो ये है बेम्बू का नया पेड़, उगा था तो मैंने इसको काट लिया। अभी इसको घर ले जाना होगा। घर ले जाने से पहले एक बात बता दूँ, ये जंगल में बेम्बू के पेड़ के पास बहुत ज़्यादा मच्छर होता है, और मच्छर की वजह से थोड़ा सा खुजली भी हो गया है। तो अभी ये सब आपको बेम्बू का पेड़ दिख रहा है, ये सब सारे के सारे ये बेम्बू का पेड़ है, ये भी बेम्बू का पेड़ है, ये भी। तो अभी और काटेंगे, तो फिलहाल चलते हैं अगली रास्ते तक। और मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, और मेरा साथ कोई नहीं है, अकेला हूँ। तो जंगल में अकेला होने पर तो डर लगता है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अभी मुझे दो ही मिला है, और मैक्सिमम मुझे कम से कम 10-15 चाहिए। यहाँ पे है कि नहीं? ओह शिट, मैंने देख के रखा था कोई आके काट के ले गया। साला कौन कम वक्त होगा जो ऐसा किया है। तो बारिश भी हल्का फूलका गिर रहा है, यहाँ भी निकला हुआ था कोई काट के ले गया है। ओ नहीं, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ पे सुअर आके खाया था शायद। ये सुअर का ही काम है, क्योंकि यहाँ सुअर भी बहुत मात्रा में ज़्यादा है, क्योंकि ये जंगल है ना, तो यहाँ सुअर भी निकलेगा। तो रुकिए गाइस, अभी मैं मुझे एक दो दिखाए, वो दिखाए एक, और ये दिखाए एक। तो मैं इतने अंदर जाके तो नहीं काट सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। रुकिए, कीड़े खाया था। देखो यहाँ पे कीड़े खाते हैं, यहाँ कीड़े भी खाता है। तो ये दो हो गया, और ये भी निकला था, और अंदर कहाँ कहाँ निकला है पता नहीं, फिर भी ये रहने देते हैं। चलो फिलहाल है या निकला है या नहीं। तो गाइस यहाँ निकला नहीं है, तो बहुत सारा पेड़ है। और ये देखो ऐसा होता है, ये वाला
इससे पर नहीं खा सकते क्योंकि ये पेड़ से निकला है, तो जो मिट्टी के अंदर से निकलता है ना तो उसको ही हम लेते हैं। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं और कितने मिलते हैं और घर जाके इसको कैसे बनाता है इसका जरिए आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी लगेगा इस लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है, आप लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि ये वाला निकला है तो हम इसे भी निकालते हैं। तो रुकिए ज़रा। तो गाइस मैंने इसको निकाल लिया है, अब ये यहाँ झोली में भर लेता हूँ। तो ये झोली भी लाया हूँ, इस झोली में भरता हूँ, काफ़ी हो गया, और भी चाहिए मुझे। काटूँगा काटते जाऊँगा जितना भी मिलेगा, अभी सिर्फ काटते ही जाऊँगा। एक मिला है अभी, को जब काटने के लिए आया तो धड़ाधड़ बारिश गिरने लगा। बारिश में भीग के पूरा गीला हो गया, लेकिन इसको छोड़ा नहीं, काट के दम लिया इसको। गाइस यही लास्ट वाला है और ये काफ़ी लंबा है, तो इसे काट के ही जाना होगा क्योंकि अभी बारिश की वजह से मेरा कैमरा भी मतलब मोबाइल भी बिक गया है। तो इसे काटूंगा और चलता बनूंगा यहाँ से। ये हो गया, चलो तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो गाइस मिलते हैं घर में, इसको कैसे बनाएंगे वो बाद में वो घर में दिखाएंगे। तो अभी इसको ले जाके साफ सुथरा करना होगा, तो घर में मिलते हैं गाइस। गाइस अभी इसको छील रहा है भाभी जी, कितने प्यार से इसको छीलने के बाद ये कैसा दिखेगा, एकदम सेम टू सेम ये छील के हो गया। इसको और काटेगा मतलब इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाएगा, एकदम मीही कर देगा इसको काट के, तब ये खाने लायक होगा। मतलब इसको और भी टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, मतलब बहुत मेहनत लगती है। ऐसे कैसे छील रहा है भाभी जी, देखिए बहुत प्यार से छील रहा है, लेकिन ये जो ये काला काला दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा वो खून बोलता है। ये जब हाथ में लगता है तो बहुत खुजली होता है और पिछवाड़ में लगता है तो मंकी बन जाता है आदमी, तो इसको थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। कैसे छिल रहा है और इसको छिलने के पूरा छिल होने के बाद हम दिखाएंगे। ये हो गया, अभी इसको काट रहा है और ये काटने के बाद इसको उबालेगा। उबालने के बाद इसको कम से कम 1 घंटा उबालना होगा और इसको उबालने के बाद परोसा जाएगा और परोसने के बाद हमको खाने को मिलेगा। तो ये पूरा काट के होने के बाद इसे उबालेगा। ये ऐसा हो गया, इसको भाभी ने काट काट कर छोटा बना दिया और इसको उबालेंगे। उबालने के बाद इसको हो जाएगा खाने लायक, तो बने रहिए। ये अभी हम लोग इसे चूल्हे पे बिठा दिया मतलब गैस पे बिठा दिया, तो ये उबल रहा है, तो इसे ऐसे ही 1 घंटा उबलने के लिए देंगे। और इसमें जो भी चाहिए मतलब माय मसाला जो भी चाहिए मतलब सामान इसको देने, सब्ज़ी में जो भी सामान देता है वो देंगे, भाभी जी बनाएंगे इसमें। और ये बनने के बाद गाइस ये हो गया बना के रेडी। इस पे मछली भी है और ये बेम्बू है, इसको बनाया है भाभी ने, तो मैंने खाना परोस लिया है। ये है बेम्बू का सब्ज़ी और ये है मछली और ये है सुअर का मीट और ये खाना है पूरा, अभी खाने वाला हूँ मैं। तो आप लोग भी कभी बना के देखना और टेस्ट करके देखना कैसा लगता है। और हाँ ये बनाने का तक आइडिया भी दूसरा है, मतलब इसको बनाने का आप किसी भी तरह बना के खा सकते हैं, आपका मर्जी। हमने इसको लोकल स्टाइल में बना के खाया है, तो आप लोग कभी भी किसी स्टाइल में आप खा सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी जैसे खाना पसंद करते हैं। तो गाइस
तो आप लोग भी बना के खाना और